आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ और आशा करती हूँ आप सब लोग भी ठीक होंगे। आज का जो डिज़ाइन है बहुत ही अलग सा है, बिल्कुल यूनिक सा डिज़ाइन है। और इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हम इन दो कलर का यूज करेंगे। ये दो कलर हैं हमारे और डिज़ाइन बन के बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, बहुत प्यारा लगता है। आप चाहे जेंट्स स्वेटर में डालो, चाहे बॉयज़ में डालो, चाहे बच्चों के स्वेटर में डालो, ब्लैंकेट में बनाओ, चाहे आप सॉक्स या कैप कुछ भी बनाओ, लेडीज कार्डिगन में भी डाल सकते हैं और जैकेट में भी डाल सकते हैं। कलर कॉम्बिनेशन आप अपनी पसंद का रखना, मैंने अपनी पसंद का लिया है। चलिए चलते हैं अपने डिज़ाइन की तरफ। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए ये देखिएगा, मैंने व्हाइट कलर से बॉर्डर बना लिया है। आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से बॉर्डर बनाना। और इसमें ये डिज़ाइन मेरा 6-6 फंदों के मल्टीपल चलेगा, सॉरी 10-10 फंदों के मल्टीपल चलेगा। और इसमें लास्ट में आपके 4 फंदे एक्स्ट्रा होने चाहिए। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन। पहली रो है और इसमें ब्लू कलर से मैंने यूज किया है। ये देखिएगा, स्टार्टिंग में ही हम 4 फंदे व्हाइट अपने स्लिप करेंगे। ये मेरे डिजाइन के फंदे हैं और 6 फंदों को मैं ये हल्का सा यहाँ पे लूज रखना आप धागा, ताकि खिंचाव ना आए। और ये 6 फंदे हम ब्लू कलर से बनाएंगे, 5 और ये 6। 6 ब्लू कलर से बनाए, 4 फंदे फिर से हम स्लिप करेंगे। यही 4 फंदे हमारे 6-10 फंदे हमारे बार बार रिपीट होंगे। 4 को हम स्लिप करेंगे, 6 फंदे हम बनाएंगे इस तरीके से। पांच और ये 6, ठीक है। और ये 4 फंदे हमारे एक्स्ट्रा होने चाहिए, तभी आपका ये डिजाइन अच्छे से एग्जिस्ट होगा आपके प्रोजेक्ट पे, ठीक है। ये देखिएगा इस तरीके से, ये देखिएगा यहाँ से लेके यहाँ तक 10 फंदे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक 10 फंदे हैं, ये 4 फंदे मेरे एक्स्ट्रा है। इसी तरह से आप रखना। अब डिजाइन की सेकंड रो है और उल्टी साइड है। उल्टी साइड में भी 4 फंदे हम अपने स्लिप करेंगे स्टार्टिंग वाले इस तरीके से। धागा आगे की तरफ लाएंगे और 6 फंदे हम सीधे बनाएंगे उल्टी साइड से। 6 फंदे सीधे बनाएंगे उल्टी साइड से, 4 फंदों को स्लिप करेंगे, 4 और धागा पीछे। ये वाला धागा आप हमेशा ध्यान रखना हल्का सा लूज रहे, टाइट ना हो, नहीं तो ये इसमें सिकुड़ा हुआ जाएगा डिजाइन में। 4 फंदे फिर से हम अपने सीधे बनाएंगे, 6 फंदे सीधे बन गए, धागा अपनी साइड, 4 फंदों को इनको स्लिप करेंगे ऐसे। 2 रो बन चुकी हैं। जो फोर्थ वाली रो बनाएंगे तो नहीं, जो थर्ड वाली रो बनाएंगे हम व्हाइट कलर से बनाएंगे। ये देखिएगा इस तरीके से 2 फंदे हमने बनाए, 2 फंदे हम, 1 फंदा हम इधर लेके आएंगे और 2 ये फंदे हम इधर लेके जाएंगे ऐसे। और इसको हम यहाँ पे सीधा ही बनाएंगे लेकिन व्हाइट कलर से। इनको भी सीधा बना लेंगे दोनों फंदों को ऐसे। और इन सारे जो बीच में 4 फंदे हैं इनको भी सीधा बनाएंगे। देखिएगा 2, 3 और ये 4, 4 फंदे सीधे बनाए, 1 को हम यहाँ बीच में लेके जाएंगे ऐसे। और इन दोनों फंदों को इधर लेके आएंगे आगे की साइड इस तरीके से ऐसे। इसको भी सेम ऐसे ही करेंगे, बीच वाला फंदा व्हाइट बनाएंगे। अब इन 2 फंदों को इधर लेके जाएंगे, 1 को इधर लाएंगे, सिर्फ हमें इनकी जगह चेंज करनी है। बनाएंगे सबको व्हाइट ऐसे, इसको भी व्हाइट ही बनाएंगे, सीधा बनाएंगे। इनको भी हम सबको और बीच में ऐसे करेंगे ये, ऐसे। ये देखिएगा इस तरीके से, और इसको भी सीधा बनाएंगे। ये देखिएगा 3 रो बन के तैयार हो गई है। अब जो फोर्थ वाली रो है इसको हम पूरी रो को उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट करेंगे वाइट कलर से ऐसे। चलिएगा कर लेते हैं वाइट कलर से पूरी रो को बिल्कुल उल्टा उल्टा। अब ये देखिएगा 4 रो बन के कम्प्लीट हो चुकी है। अब ये डिजाइन की मेरी 5th रो है और ये फिर मैं ब्लू कलर से बनाऊँगी। ये पहले
पांच फंदे में ब्लू कलर बनाऊंगी, एक दो तीन चार और ये पांच, पांच फंदे ब्लू बनाए। अब बीच वाले चार फंदों को हम स्लिप करेंगे, एक दो तीन चार, ऐसे बीच के जितने छह फंदे आएंगे इनको हम ब्लू बनाएंगे। एक, इसको हल्का सा लूज रखेंगे, एक दो देखिए चार पांच और ये छह, चार फंदे फिर से स्लिप करेंगे, एक दो तीन चार, पांच फंदे लास्ट के फिर से हम ब्लू बनाएंगे। पांच, ठीक है। अब ये इसकी सिक्स्थ रो है, सिक्स्थ रो में जो ब्लू हैं उन्हें हम सीधे बनाएंगे इस तरीके से, धाग अपनी साइड और वाइट वालों को स्लिप करेंगे। पूरी रो को ऐसे ही बना के हम कंप्लीट करेंगे। चलिएगा कर लेते हैं। अब ये डिजाइन की सेवेंथ रो है, सेवेंथ रो में हमें क्या करना है ये देखिएगा, इनको हम चार फंदों को बनाएंगे वाइट ऐसे। जो ये पांचवा वाला फंदा है इसको हम यहाँ जगह चेंज करेंगे ऐसे, जैसे हमने पहले करी थी इस तरीके से, ये ऐसे, और इसको भी हम वाइट ही बनाएंगे। अब इधर से हम एक फंदा लेके आएंगे ऐसे, और इन दोनों को इस साइड लेके जाएंगे, सिर्फ इनकी हमें जगह चेंज करनी है, ये ऐसे, और बीच के सारे फंदों को हम चार फंदे हैं तो उनको वाइट ही बनाएंगे, ये इस तरीके से, ठीक है। एक फंदा फिर से हम इसको इधर लेके जाएंगे, इनकी जगह चेंज करेंगे ऐसे, ये इस तरीके से, इसको भी ऐसे ही करेंगे, एक फंदा इधर लाएंगे, दोनों को इधर लेके जाएंगे, ये देखिएगा इस तरीके से, और सारे फंदों को वाइट बना देंगे। अब ये डिजाइन की एट रो है, और एट रो पूरी उल्टी उल्टी बन के कम्प्लीट हो जाएगी हमारी वाइट कलर से। चलिएगा बना लेते हैं इसको, पूरी रो एट उल्टी उल्टी वाइट कलर से, ये देखिएगा। एट रो के बाद इस डिजाइन इस तरह का लुक आएगा इसका। जब ये हम एट एट रो बनाते जाएंगे तो इतना प्यारा सा और खूबसूरत सा, तो ये हमारा इतना खूबसूरत सा प्यारा सा डिजाइन बनता हुआ जाएगा। अगर आपको ये मेरा डिजाइन पसंद आया हो या आपको मेरे बताने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, बाय।